सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स किचन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पे दबाइए यूनिक कुकिंग की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, आज आइए हम आपको बाटी चोखा बनाना बताते हैं। ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ऐसे तो बाटी जो है आप कंडे से भी बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको कंडे से न बनाकर कुकर में बनाना बताएंगे, क्योंकि कंडा हर जगह नहीं मिलता है। बाटी चोखा के साथ ही अच्छा लगता है। इसके साथ आलू, बैंगन और टमाटर का भरता चाहिए, जिसको यूपी में भरता भी बोलते हैं। तो आइए पहले हम आपको सबसे पहले बाटी बनाना बताते हैं कि बाटी किस तरह से बनती है। ऐसे तो आप उपले पे साधारण बाटी बनाएंगी, लेकिन यहाँ हम कुछ सामान इसमें मिलाएंगे कुकर में बनाने के लिए, ताकि खाने में वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है और थोड़ा सौंधापन भी उसमें आता है। तो आइए देखिए कैसे बनती है कुकर में बाटी। ये हमने आटा लिया है 1/2 किलो, ये 3 टीस्पून बेसन है जो हम इसमें मिलाएंगे, ये 1/2 टीस्पून सोडा है खाने वाला, ये नमक है, आप 1/2 टीस्पून मिलाइएगा, नमक इसमें बहुत हल्का मिलता है, ये रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं। अब आइए हम बनाते हैं। ये देखिए पानी है, आटा सानने के लिए हमने पानी लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें बेसन मिलाएंगे, अब इसमें खाने वाला सोडा मिलाएंगे, ये देखिए, अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक मिलाएंगे, ये, अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे, ये इतना रिफाइंड ऑयल हमने बचा लिया है कुकर में लगाने के लिए। अब इसको अच्छे से आप हाथ से मिला लीजिए, बेसन डालने से सौंधापन अच्छा आता है इसको। अब आइए आटा हम गूंथते हैं, बीच में आप होल कीजिए, और ये पानी साधारण पानी है, आटा कड़क रहेगा पूड़ी के आटे की तरह, बहुत गीला आटा नहीं रहेगा। अब इसको देखिए हम सान रहे हैं आटा, देखिए ये मेरा आटा सन चुका है, ये इतना ही टाइट होना चाहिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं। ये देखिए ये हमने इसको ढक के रख दिया, जब तक मेरा आटा सेट हो रहा है तब तक हम भरते की तैयारी करते हैं। भरते के लिए मुझे जो सामान चाहिए, देखिए ये बैंगन है, 2 बैंगन है, 2 टमाटर है, ये 6-7 हरी मिर्च है, ये अदरक है, ये 1 टुकड़ा अदरक है, ये लहसुन है, ये सरसों का तेल है, ये नमक है, ये आलू हमने पहले से उबाल लिया है। अब आइए हम बैंगन में चीरा लगा के देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इस तरह से इसको चीरा लगा लीजिए, ये देखिए कट कर लीजिए, इसको अंदर से भी देख लीजिए, ये ऐसे तो भरता उबाल कर भी बनता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है जो भूनने पे आता है। इसको हम इस तरह से रखेंगे, डंडी वाला हिस्सा नीचे रहेगा। आइए इस साइड में हम टमाटर रख देते हैं, भूनता है, ये टमाटर है कि ये बैंगन मेरा भून रहा है, फ्लेम तेज है, जब थोड़ा सा भून जाएगा तो इसको आप धीमा कर दीजिएगा। देखिए ये बैंगन मेरा भून चुका है, ये टमाटर भून चुका है, इसका हमने छिलका उतार लिया है, देखिए इस तरह से ये छिलका उतार लीजिए, आसानी से उतर जाएगा ये छिलका। देखिए ये बैंगन हमने छील लिया है, आलू छील लिया, ये टमाटर है, अब इसका हम भरता बनाएंगे। ये जो जिंजर गार्लिक चिली का दरदरा हमने पीस लिया है, ये इसमें मिला दीजिए, ये नमक है, आप चाहें तो तेज नमक भी मिला सकती हैं, ये मस्टर्ड ऑयल है, जब ये भरता मेरा बन जाएगा तो इसमें आप धनिया की पत्ती ऊपर से डाल के मिला दीजिएगा। आइए इसको हम मैश कर लेते हैं। आइए भरता बन चुका है, अब ये आटा भी मेरा तैयार है, देखिए इस तरह से माड़ा है हमने इसको। अब आइए गैस ऑन करते हैं, इस
पे हम कुकर रख देते हैं, थोड़ा ऑयल इसमें लगा देते हैं कि ये कुकर हमने रख दिया है, ये कुकर हमारा एकदम सूखा है ड्राई। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे इसके चारों तरफ, ये इस तरह से ऑयल लगा दीजिए आप। ये जब तक मेरा कुकर गर्म हो रहा है, आइए हम बाटी बनाते हैं। देखिए ये आटा हमारा हो चुका है, अब हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लीजिए, इससे चिपकेगा नहीं आटा हाथ में। इसको आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं बनाइए, ये हमने एक बॉल के आकार का लिया है। इसको इस तरह से कर दीजिए राउंड करके, इसको यहाँ से ऐसे दबा दीजिए, ये इस तरह से। देखिए अब इसको हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे, गैस हमने धीमी कर दी है। ये इस तरह से इसमें आप डाल दीजिए। देखिए अब इसमें हमने डाल दिया बाटी, अब इसका ढक्कन लगा दीजिए, सीटी नहीं रहेगी। ये धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट तक, उसके पहले आप इसको एक बार खोल के चेक कर लीजिएगा, अगर बाटी फट गई है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर 2-3 मिनट और इसको पकाना होगा। आइए 15 से 20 मिनट हो गया, इसको देखते हैं बाटी हमारी पकी या नहीं। ये ढक्कन हमने खोल दिया, ये देखिए ये बाटी हमारी अच्छे से पक गई है। ये देखिए इसको आप दबा के देख लीजिए, ये अंदर से पक गई है। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये जो चोखा हमने बनाया है इसमें हमने लास्ट में धनिया की पत्ती डाला है, अब इसकी प्लेटिंग हम करते हैं। कि ये बाटी हमारी पक के तैयार हो चुकी है, इसकी प्लेटिंग हमने की है। ये देसी घी है, इसको आप देसी घी के साथ डिप करके खाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गर्मा गर्म बाटी का आनंद लीजिए बरसात के मौसम में। धन्यवाद।